हाँ गाइज, आप सभी का स्वागत है हमारी चैनल की एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम वर्कआउट से करेंगे। जैसे कि आज मंडे है तो मैं चेस्ट और बाइसेप्स को ट्रेन करूँगा। आप देख सकते हैं कि मैं होम वर्कआउट कर रहा हूँ, और मुझे ये ज़रूर बताना कि आप लोग भी होम वर्कआउट ही कर रहे हैं, आप जिम जाना चालू कर दिया। तो सबसे पहले हम चेस्ट की एक्सरसाइज करेंगे, उससे पहले हम थोड़े से स्ट्रेचिंग और वार्म अप करेंगे, जिससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बने रहे बॉडी में और इंजरीज के चांसेस कम हो जाएँ। सबसे पहले स्ट्रेचिंग के बाद मैं थोड़े से पुशअप्स मारूंगा, उसके बाद हम हमारा चेस्ट वर्कआउट बिगिन करेंगे, जिसमें मैं डिक्लाइन डंबल चेस्ट प्रेस करूंगा, जिसके 3 सेट होंगे। उसके बाद मैं डंबल चेस्ट फ्लाई करूंगा, उसके बाद मैं 3 सेट क्लोज ग्रिप डंबल प्रेस करूंगा। तो इसके साथ हमारा चेस्ट वर्कआउट ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं बाइसेप्स के ऊपर। हम बाइसेप्स के लिए भी 4 एक्सरसाइज करेंगे, उसमें सबसे पहले होगी सिंगल आर्म डंबल कर्ल, इसके भी हम 3 सेट करेंगे। मैं सिंगल आर्म इसलिए करता हूँ क्योंकि इससे पोस्चर अच्छा बना रहता है और माइंड मसल कनेक्शन मेरे लिए अच्छा बनता है। तो आप चाहो तो आप भी सिंगल आर्म कर सकते हो, या दोनों हाथों को साथ में लेके भी कर सकते हो। फिर दूसरी एक्सरसाइज होगी हमारी सिंगल आर्म हैमर कर्ल, इसमें भी हम 3 सेट ही करेंगे। सिंगल आर्म डंबल कर्ल और सिंगल आर्म हैमर कर्ल बहुत कॉमन बेसिक एक्सरसाइज है बाइसेप्स के लिए। हमारी तीसरी एक्सरसाइज होगी जिसके हम 4 सेट करेंगे, वो होगी डंबल रिवर्स कर्ल, इसके 4 सेट करेंगे। और उसके बाद हम 4 आर्म्स की एक्सरसाइज करेंगे, जो कि होगी सिंगल आर्म डंबल व्रिस्ट कर्ल, इसके भी 4 सेट करेंगे। मतलब कि हम शुरू की 2 एक्सरसाइज इसके 2 सेट करेंगे और लास्ट की 2 एक्सरसाइज के 4 सेट करेंगे। तो इसके साथ हमारा आर्म वर्कआउट कम्प्लीट होता है। गाइस, आज आपको ये वर्कआउट की टिप शेयर कर देता हूँ। अगर आप जब भी वर्कआउट कर रहे हो, चाहे से जिम में वर्कआउट कर रहे हो या अपने घर में वर्कआउट कर रहे हो, तो आप आपके फ़ोन को म्यूट कर दो या फ़ोन को आप आपके कोने में रख दो। अगर आप फ़ोन को अपने वर्कआउट के बीच में बार बार यूज़ करोगे, सोशल मीडिया वगैरह चेक करोगे, तो उससे आपका वर्कआउट अच्छा नहीं होगा, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा। अगर आप किसी एक्सरसाइज के बीच में 20 सेकंड का गैप ले रहे हो, तो आपको पता भी नहीं चलेगा फ़ोन यूज़ कर रहे होते वो 20 सेकंड का गैप 1 मिनट कब बन जाएगा, 40-50 सेकंड्स कब बन जाएगा। जैसे अगर मैं खुद की बात करूँ, तो आज मैं एक्सरसाइज करते करते शूट कर रहा हूँ, तो उसकी वजह से मेरा वर्कआउट इतना अच्छा नहीं हुआ, ना इतना अच्छा पंप आया, ना इतना अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बना। तो आप भी जब भी वर्कआउट करें, तो आपका वर्कआउट पे ध्यान दें, जिस मसल को ट्रेन कर रहे हैं उस मसल पे ज़्यादा फोकस करें, ना कि आप आपके फ़ोन को बार बार यूज़ करें या ऐसी कोई चीज़ करें, उससे आपका वर्कआउट अच्छा नहीं होगा। एट द एंड आपकी मेहनत वेस्ट भी हो सकती है, क्योंकि वर्कआउट अच्छा नहीं होगा तो मज़ा नहीं आएगा। अब हमारा वर्कआउट कंप्लीट होता है, इसके बाद मैं बस थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करूँगा, जिससे मसल थोड़ी रिलैक्स हो जाए, और सूर्य नमस्कार करूँगा। तो उसके साथ हमारा आज का वर्कआउट कंप्लीट होता है। इसके बाद मैं चेंज करके आता हूँ, उसके बाद हम प्रोटीन बार के बारे में बात करेंगे, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हैं। तो टाइम आ चुका है वीडियो के मेन पार्ट का, जिसके लिए आप सब लोग इंतजार कर रहे होंगे। अब हम रिव्यू करने जा रहे हैं माय प्रोटीन की प्रोटीन बार। ये माय प्रोटीन की लेयर प्रोटीन बार है। ये टोटल इसका वेट 60 ग्राम है, इसमें आउट ऑफ इसमें 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है और 2.4 ग्राम्स ऑफ इसमें शुगर है। अगर आप इस प्रोटीन बार को खरीदना चाहते हैं, तो आप इसको माय प्रोटीन की वेबसाइट से खरीद सकते हैं। इसकी प्राइस 299 इसकी MRP है, पर अगर आप माय प्रोटीन की वेबसाइट पे कोई कूपन कोड लगाते हो, तो उससे आपको 50 या 100 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो और आपको अराउंड 200 या 250 की ये प्रोटीन बार पड़ जाएगी, अगर आप सिंगल पीस खरीदते हो मेरी तरह। ये प्रोटीन बार पे ब्राउन शाइन बना हुआ है, मतलब कि इसमें शायद एग है। मैं हूँ तो पर्टिकुलरली वेजिटेरियन, पर मैंने पास में 1-2 बार एग खाए हैं, तो मैं एक ट्राई देके इस चीज़ को खा सकता हूँ। वैसे मैं इसको रेगुलर नहीं खाऊंगा, क्योंकि मैं एगिटेरियन नहीं हूँ, मैं वेजिटेरियन ही हूँ, तो इसलिए मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ एक बार के लिए। अब अपन बात करते हैं इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में। जैसे मैंने आपको बताया, 20 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन है, कैलोरीज इसमें 230 कैलोरीज है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 19.2 ग्राम्स है और फैट इसमें 9.4 ग्राम है। अब मैंने आपको इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन के बारे में बता दिया कि इसके क्या फैट्स हैं, क्या प्रोटीन है, क्या चीज़ है। अगर अपन इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करें, तो बाकी की चॉकलेट के कंपैरिजन में इसकी न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा अच्छी है। अगर आप कोई बाहर की चॉकलेट खा रहे हो, उसके कंपैरिजन में आप इसको ऑर्डर कर सकते हो, ये बहुत अच्छी चीज़ है। और अगर आप बात करें इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट की, तो मैन्युफैक्चरिंग डेट से 12 मंथ तक इसका बेस्ट बिफोर पीरियड है, तब तक आप इसको स्टोर करके रख सकते हो या खा भी सकते हो।
तो ये 299 का सिंगल पीस है, जैसे मैंने मंगाया आप चाहो तो स्टैक में भी या 10 या 12 का स्टैक आता है आप वो मंगा सकते हो, पर अभी ये MyProtein की वेबसाइट पे स्टॉक में नहीं है, पर बाद में क्या होता है स्टॉक में आ जाए तब आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टेस्ट के बारे में। मैंने इसको अनरैप कर लिया पहले से, अब अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ से आपको पता पड़ जाएगा कि इसमें पीनट्स वगैरह नट्स वगैरह बहुत सारे हैं, क्योंकि इसका फ्लेवर का नाम है चॉकलेट पीनट। मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ कि ये टेस्ट में कैसी है मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, किसी भी नॉर्मल चॉकलेट के कंपैरिजन में ये एकदम सिमिलर है। क्या पता हो सकता है कि आपको इसका टेस्ट नॉर्मल चॉकलेट से भी अच्छा लगे, क्योंकि इसका टेस्ट स्निकर्स या 5 स्टार से थोड़ा सिमिलर है। तो डेफिनेटली ये टेस्ट आपको बिल्कुल पसंद आएगा। अगर आप टेस्ट के बारे में डाउट कर रहे हैं तो बिल्कुल ना करें, क्योंकि टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, नॉर्मल चॉकलेट जैसा ही है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है टेस्ट किसी को पसंद आए। तो मैंने अब आपको प्राइस बता दी, टेस्ट बता दी, इंग्रेडिएंट्स के बारे में बता दिया और साथ ही साथ इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन बता दी। एक चीज़ और बता दूँ कि कोई सी भी प्रोटीन बार एक नेसेसिटी नहीं होती अपने फिटनेस गोल को रीच करने के लिए। अगर आप इतना खर्च कर सकते हैं तो आप एक प्रोटीन बार में इन्वेस्ट करें, वरना अगर आपको इन्वेस्ट नहीं करना तो आप नॉर्मल रह के भी बॉडी बना सकते हैं, वे प्रोटीन या नॉर्मल सप्लीमेंट्स लेके भी बना सकते हैं। ऐसी कोई नेसेसिटी कोई सी भी प्रोटीन बार या कोई सी भी ऐसे सप्लीमेंट्स नहीं होते जो आपको आपकी बॉडी बनाने से रोक दे या फिट होने से रोक दे। हाँ गाइस, अब टाइम आ चुका है इस वीडियो को एंड करने के लिए, और एक आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। आज मैं एक बुक पढ़ रहा था, बुक के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अगर आप बुक का कवर देख के गेस कर सकते हो कौन सी बुक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। हाँ, तो इंटरेस्टिंग स्टोरी ये थी कि इस बुक को मैं बहुत टाइम से पढ़ रहा था। इस बुक में अराउंड 175 पेज है और एक बहुत अच्छी स्टोरी बुक है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। तो 175 पेज है तो मैं अपने एक दोस्त को मतलब बात करता हूँ तो बता देता हूँ कि अभी ये पार्ट चल रहा है, ये चल रहा है। तो उसने मेरे को एक चीज़ बोली कि इतना टाइम हो गया बुक कंप्लीट क्यों नहीं हो पा रही है, और अराउंड मैं आज सुबह 100 पेज पे या 105 पेज के आसपास था। तो मेरे को थोड़े दिन से चैलेंज दे रहा था कब खत्म होएगी कब खत्म होएगी। तो मैंने ऐसे बोला तो था कि संडे को ख़त्म कर दूंगा यानी कि कल, पर मैं अपनी बात पे खड़ा नहीं उतर पाया। तो आज सुबह मैंने खुद ने उसको आगे से टैक्स किया कि आज ये बुक ख़त्म हो जाएगी, और मेरे अराउंड कुछ 60-65 पेजेस आज बचे रहे थे इस बुक के कंप्लीट करने के लिए। अक्सर मैं जब भी बुक पढ़ता हूँ तो अराउंड 5-10 पेजेस ही पढ़ता हूँ एक दिन में, ज़्यादा पेज में नहीं पढ़ता, क्योंकि मैं ये हैबिट डेवलप कर रहा हूँ धीरे धीरे। अभी मैंने हैबिट पूरी तरह से डेवलप नहीं करी और ना ही मैंने ज़्यादा बुक पढ़ी, पर जैसा मैं कह रहा था कि मेरे 60-65 पेज आज मेरे को दिन में कंप्लीट करने थे, और अभी भी मेरे 20 पेजेस बच रहे हैं, और अभी अराउंड 11 PM हो चुके हैं और एक घंटा है, एक घंटे में मेरे को 20 पेज कंप्लीट करने हैं, तो मैं मेरी बात पे खड़ा उतर पाऊंगा, अपनी वर्ड्स पे रह पाऊंगा। तो अब ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि मैंने पेजेस कंप्लीट करे, और जो अगर मैंने बात सुबह खुद को बोली थी क्या वो मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। तो मैं आपको एक बार बोलूंगा कि अगर आप किसी और से कंपटीशन कर रहे हो तो सबसे पहले आप खुद से कंपटीशन करो, एटलीस्ट इतना रहो कि जो बात आप खुद बोलते हो उस पे उतर पाते हो या नहीं पाते। मैं भी बहुत बार कुछ बोल देता हूँ नहीं कर पाता, पर अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो बात बोलूँ वो मैं कंप्लीट करूँ, अपने टास्क को कंप्लीट करूँ। तो ये थी आज की वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में मैं इस बुक के बारे में बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि मेरा चैलेंज कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये थी आज की वीडियो, आज की वीडियो मेरे हिसाब से आपको अच्छी लगी होगी। प्रोटीन बार का रिव्यू मैंने आपको बताया, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप ऐसी प्रोटीन बार ऑर्डर करोगे नहीं करोगे। मेरे हिसाब से प्रोटीन बार ऑल ओवर बहुत गुड है, पर अगर वेज होती तो ज़्यादा अच्छा रहता, पर टेस्ट वाइज न्यूट्रिशन इन्फॉर्मेशन वाइज बहुत अच्छी है प्रोटीन बार है, और अगर आप लेना चाहें तो ज़रूर ले सकते हैं। एंड इन द एंड जस्ट बी द बेस्ट ऑफ योरसेल्फ, एंड वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।